अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मुझे कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा क्यों ना संडे बाज़ार जाया जाए, जो कि वहाँ पर चीज़ें जिस नौीयत की मुझे चाहिए थी वो संडे बाज़ार में बहुत सस्ती और अच्छी मिल जाती हैं। तो मैंने सबसे पहले तो हैदरी का रुख किया। मैंने कहा छोटी मोटी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से लेनी है, तो पहले मैं यहाँ पे आ गई। वैसे हैदरी से संडे बाज़ार नॉर्थ नाज़माबाद का बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। आप जिनको वॉक करने की आदत है वो आराम से वॉक करके जा सकते हैं। हैदरी आई तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी अट्रैक्ट की मुझे कि शकरकंद सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा, और फिर पराठा रोल, और ये इमली और लाल बेरों का स्टॉल मुझे हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करता है। मुझे अपने स्कूल की याद ताज़ा हो गई, और ये कच्चे और पक्के अमरूद बहुत टेस्टी हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद रहे हैं और अभी भी। और ख़ास तौर पे एक इमली होती थी जो कि बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी होती है, वो मैं आज भी खाती हूँ। खैर, वहाँ से मुझे कुछ बेडशीट लेनी थी तो मैं अंदर आई, बट मुझे कुछ समझ तो आया नहीं, तो मैंने फिर बाहर का रुख किया। और फिर मैंने यही सोचा कि क्यों ना कि मैं जो है संडे मार्केट ही जाती हूँ, जो कि थोड़ी सी यहाँ पर करीब में ही थी। यहाँ पर मैं आई संडे मार्केट, आके मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कि बहुत सस्ती चीज़ें थी। यहाँ पे बर्तन बहुत सस्ते थे। ये जो आप बाउल देख रहे हैं 3 सेट, ये 1100 रुपये के 3 सेट हैं, 3 पीस हैं, और देखें कितने खूबसूरत हैं ये। घर में यूज़ करने के लिए, या कुछ फ्रिज में अगर कुछ बच रहा है तो आप साफ़ सुथरा करके चीज़ों को आप इसमें फ्रीज़ करें और फ्रिज में रख दें, तो फ्रिज भी अच्छा लगेगा आपका और बुरा भी नहीं लगता। और ये चीज़ें जो हैं, ये ट्रे आपने देखी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, ट्रे भी 250 की थी, बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर चीज़ें होती हैं। संडे बाज़ार आने का एक ख़ास मकसद यही होता है कि आपको नॉर्मल रोज़मर्रा की चीज़ें कम पैसों की और अच्छी मिल जाएं, और कभी कभी तो इतना अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं, लेकिन सम टाइम बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, ये यहाँ पर छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैंने अपने घर के वॉशरूम में भी इसको डेकोरेट किया हुआ है, और 2-4 मैंने इसको प्लांट के तौर पे लगाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप लोग भी सजाइएगा, क्योंकि घर तो आप डेकोरेट करते हैं, लेकिन आपका वॉशरूम भी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि वो भी बहुत खूबसूरत और अच्छा होना चाहिए। ये चाय के कप जो है 300 रुपये के 6 हैं, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और इसका साइज़ बहुत रिजनेबल था। जो लोग कम चाय पीते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इसका साइज़ है, और ये खूबसूरत भी लग रहे थे। संडे बाज़ार में बच्चों के बहुत सारे टॉयज़, अच्छे बुरे हल्के, और हर तरह से आपको यहाँ पर ना हर चीज़ मिल जाएगी। आपको हर तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, ख़ास बात यही होती है कि आपको हर तबके के लोग यहाँ पर आते हैं, और ज़्यादातर जो है आपको पता है कि किस तरह के लोग आते हैं। वैसे तो सभी तरह के लोग आते हैं और चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आता है यहाँ पे आना। और सर्दियों के कपड़े यहाँ पे बहुत अच्छे और सस्ते मिल रहे थे, और इन भाई ने कहा आप हमारी वीडियो भी बनाइए, तो मैंने कहा जी जी बिल्कुल, हम आपकी वीडियो बनाएंगे। इन्होंने अपने स्टॉल की मुझे एक चीज़ दिखाई, और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये जो है ये हमारी बाहर जाती हैं और ये माइनर डिफेक्टेड होते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे संडे मार्केट में जो है इसको सेल आउट कर देते हैं। और ये देखें, इन्होंने मुझे दिखाया कि ये एक ब्रांड का नाम है और इसमें इसका टैग भी लगा हुआ था। बच्चों के कपड़े कभी भी सर्दियों के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेना नहीं चाहिए, वो इसलिए कि आप इस तरह ही के लें घर में कि आपका एक सीज़न गुजर जाए, इसलिए बच्चे बहुत जल्दी, उनकी ग्रोइंग एज होती है तो बच्चे जल्दी जल्दी से बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें नेक्स्ट ईयर आपके लिए वो यूज़लेस हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही कपड़े आप लोगों को ले लेने चाहिए सर्दियों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे बाज़ारों का विज़िट कीजिए सर्दियों के लिए, अगर आपको बच्चों के कपड़े लेने हैं तो आप आएँगे। 600-600 के 2 पीस सूट हैं, और 200 का एक एक जो है ट्राउज़र है, और 400-400 की और 300-300 की टी-शर्ट्स हैं ये सारी, जो कि गर्म है और बहुत सस्ती हैं। ज़रूर विज़िट कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ये स्टॉल मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। यहाँ पर ये जो टॉवल थे ये केजी के हिसाब से मिल रही थी, जो कि 300 पर पाओ इस तरीके से थी, यानी कि 1200 रुपये किलो इस तरह से थी। जो जो अगर 1200 रुपये में 3 ये टॉवल तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे, इन्होंने मुझे बताया। क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे। ये जो टॉवल है
ये 300 की टॉवल है लेकिन इसमें माइनर डिफेक्ट था। तो खैर बहरहाल जिनको चाहिए होती है घर में डस्टिंग के लिए और झाड़ू पोछे के लिए, और ये वैसे बहुत अच्छी टॉवल थी, मुझे भी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई है तो बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।